सिविल लाइंस फाटक पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजभवन का घेराव करने के लिए आज ये अपना प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी पहुंच चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की न सिर्फ आज दोपहर 3 बजे बैठक है, आज विधानसभा की कार्यवाही भी होनी है और इससे पहले सिविल लाइंस फाटक पर कांग्रेस का प्रदर्शन भी होना है। एकजुट होना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से शुरू हो चुका है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर ये कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजभवन का घेराव करेगी इस मामले को लेकर और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस जनता की आवाज है, कांग्रेस देश की आवाज है। आप सुन लेना, महंगाई गरीबी बेरोजगारी से पूरा देश परेशान है। तो कांग्रेस बीजेपी और हर पार्टी का एमपी उसमें शामिल होता है। अब क्या हुआ, बीजेपी की नाक काट दी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। अरे बीजेपी के लोगों शर्म करो, पाप लगेगा। हालात क्या हो रहे हैं पूरे देश के, राजस्थान में 70 लाख लोगों को हमने जो गरीब है उज्ज्वला योजना में आते हैं, बीपीएल परिवार है, उनको 500 रूपये में सरेंडर देंगे। तो पूरे देश में आप तो सब्सिडी खत्म कर रहे हो, हम महंगाई से लड़ रहे हैं, 100 यूनिट तक बिजली फ्री करते हैं। लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। नित नए भ्रष्टाचार की बातें आ रही है, ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस कोई मांग करती है, जनता कोई मांग करती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसा आंख मीच के आत्मुक्त होकर शासन करने वाला व्यक्ति पहली बार देखा है। इसके कान पे जू नहीं रहेंगी, इतना बड़ा घोटाला हो गया। पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है, लेकिन कांग्रेस जेपीसी की मांग कर रही है, जेपीसी आप नहीं बना रहे, तो जेपीसी बनाने में क्या ऐतराज है ये भी समझ नहीं आता। राकेश शर्मा जयपुर से हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, कई मसलों पर आज ये कांग्रेस का प्रदर्शन होने वाला है। आज पूरा दिन बहुत ही ज्यादा बिजी रहेगा। 3 बजे एक तरफ कांग्रेस की मीटिंग भी है, आज सदन में कार्यवाही भी होनी है और अब पहले राज्यपाल राजभवन का घेराव किया जाएगा। जो सिविल लाइन फाटक के बाहर कांग्रेस का जो प्रदर्शन चल रहा है, हम दिखा सकते हैं सीधी तस्वीरें आपको मंच पर। जो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठे हुए हैं, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री बीडी कल्ला सहित जो सरकार के जो तमाम मंत्री हैं, अधिकांश विधायक हैं, वो यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और सबकी जो एक ही मांग है कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जेपीसी का गठन किया जाए, जेपीसी के जरिए पूरे मामले में पारदर्शिता लाई जाए। चूंकि देश की जनता में एक आर्थिक अनियमितताओं को लेकर एक माहौल बना हुआ है, हर आदमी अपने पैसे के निवेश को लेकर चिंतित है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। यहाँ चूंकि कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा ये बना है और बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के नेता पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है मौजूद है और चूंकि लंबे समय से लगातार कांग्रेस इस बात की मांग करती आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप जो लगाया है कांग्रेस ने, उसके बाद अब लगातार कांग्रेस केंद्र पर हमलावर जो नीति में सामने आई है। और आज यहाँ राजस्थान में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, बोर्ड निगमों के चेयरमैन हैं, वो सब एक मंच पर यहाँ पर विराजमान हैं और इस जो राजभवन घेराव की जो तैयारी की जा रही है उसको लेकर के यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे जो प्रताप तमाम ये भक्त मीना की कांग्रेस को इसमें एकजुट करने ठाकुर गोविंद देव जी की नदी है। यहाँ पर जब लड़ाई लड़ेगी इनकी ईडी इनकम टैक्स सीबीआई वो अभी रघु शर्मा है जो कांग्रेस पूर्व मंत्री हैं। रघु शर्मा जी, आज जिस तरीके से कांग्रेस में एकजुटता दिख रही है, क्या आप राजभवन के घेराव की बात किस तरह की रणनीति रहेगी आप? नहीं, कांग्रेस तो एकजुट ही है और कांग्रेस की मांग है पूरे देश में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की गठन। पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया है अडानी ने, जिस तरह से निवेशकों के साथ धोखा किया है, उनकी मेहनत की कमाई को जिस तरह से आज खतरे में डाला है, संसद में उठाया है। संसद से हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी की कई बात को विलोपित कर दिया गया। राहुल गांधी जी ने जो कहा, उन्होंने सिलसिलेवार सारे घटनाक्रम को उजागर किया।
उसको उन्होंने विलोपित कर दिया। अब एक ही विपक्ष के पास विकल्प है कि हम पूरे देश में सड़कों पर आके इस मांग को उठाएं। जनता के हक की लड़ाई तो कांग्रेस लड़ेगी और आज पूरे देश में राजभवनों का घेराव कांग्रेस माध्यम से हो रहा है और एक ही मांग है कि जेपीसी गठित करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या चीज छुपाना चाहती है? जब बोफोर्स का आरोप लगाया इन लोगों ने, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, एक सेकंड में जेपीसी का गठन किया, आज क्या दिक्कत है? जेपीसी में सब दलों के लोग होते हैं और वो सच्चाई से जांच कर लेंगे, सच्चाई देश की जनता के सामने आनी चाहिए। कांग्रेस की मांग है कि सच्चाई को जनता के सामने लाया जाए, जेपीसी का गठन किया जाए। लगातार इस मामले को लेकर पहले भी कांग्रेस ने जो है एक बार आंदोलन शुरू किया था, फिर से चुके केंद्रीय कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का भी यहाँ पर एक दबाव है और इसी को लेकर कांग्रेस यहाँ पर एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस के इस मार्च पर आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज विधानसभा की कार्यवाही भी होनी है, 16वां दिन है आज विधानसभा की कार्यवाही का। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। वीरांगना और किरोड़ी लाल मीणा के मामले पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। आज सदन में अनुदान की मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। वहीं सदन की मेज पर अधिसूचनाएं कई रखी जाएंगी। इसके साथ साथ वित्त विभाग की 4 अधिसूचनाएं मंत्री शांति धारीवाल रखेंगे। तो आज का दिन अहम है विधानसभा की कार्यवाही के लिहाज से, चूंकि आज सदन के विधायी कार्य भी बहुत होने हैं और इसके साथ साथ आज ऐसी भी बात कही जा रही है कि विपक्ष की तरफ से किरोड़ीलाल मीणा और वीरांगनाओं के मसले पर हंगामा किया जा सकता है सदन की कार्यवाही में। देखना होगा कि प्रश्नकाल जब शुरू होता है 11 बजे तो सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती है, जारी रहती है, या फिर इसमें बाधा आती है। तो आइए सचिन से बात करते हैं इस खबर पर और जानकारी के लिए। सचिन, कुछ देर बाद अब विधानसभा की कार्यवाही का 16वां दिन होगा, जो विपक्ष की तैयारी है, क्या ये माना जाए कि वो सदन बाधित करने की कोशिश करेंगे, चाहे किरोड़ीलाल मीणा का मसला हो, वीरांगनाओं का मसला हो, और सत्ता पक्ष कैसे इसको लेकर टैकल करने की रणनीति बना चुका है? बिल्कुल, देखिए आज सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने वाली है और इस बात की चर्चा हम कल से ही कर रहे थे, लेकिन आज जैसे ही भाजपा के विधायक विधानसभा में पहुंच रहे हैं और उनसे जो बात हो रही है, कुछ देर पहले अशोक लाहोटी विधानसभा पहुंचे, उन्होंने कहा कि आज सदन में वो वीरांगनाओं से जुड़ा मुद्दा उठाएंगे, पुलिस की बस लूकी का मुद्दा उठाएंगे जो उन्होंने वीरांगनाओं के साथ तो की ही और राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के साथ भी की है। तो तमाम जो मुद्दे हैं आज वो विपक्ष उठाने वाला है, हंगामेदार कार्रवाई बिल्कुल रहेगी। अशोक लाहोटी का ये भी कहना है कि हम सरकार से सवाल पूछेंगे कि जब पुलवामा के शहीद हुए थे 2019 में, तो जब आपके मंत्री विधायक उनके अंतिम संस्कार में गए थे, तब उन्होंने वादे किए थे वीरांगनाओं के साथ कि परिवार के किसी भी सदस्य को जिसको वो चाहेंगे वो हम नौकरी देंगे, तो फिर आज अपने वादे से, आज अपने जो मुद्दों से जो है वो कांग्रेस हट क्यों रही है, कि सरकार पीछे क्यों हट रही है? तो जैसे ही कल मान के चला जा रहा था कि सदन की कार्रवाई हंगामेदार रह सकती है, जिसकी आशंका थी उसकी पुष्टि आज जो है भाजपा के विधायकों ने कर दी है। प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होगा, मान के चला जा रहा है कि स्थगन प्रस्ताव के जरिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए विपक्ष ये मुद्दा उठाएगा और अगर बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, जिसकी संभावना कमी नजर आ रही है, क्योंकि कई स्थगन प्रस्ताव जो है आज लगाए गए हैं, अशोक लाहोटी समय पर पहुंच गए, वो स्थगन प्रस्ताव लगाएंगे, वीरांगनाओं के मुद्दे को उठाने का प्रयास करेंगे और उस दौरान जो है हंगामा जमकर होगा आज विधानसभा में। पूरी कोशिश होगी सदन के बाहर जिस तरह से कार्रवाई की गई थी, सदन के बाहर जिस तरह से हंगामा किया गया था शनिवार के दिन, बड़ा प्रदर्शन जो बीजेपी ने किया था किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन में, वीरांगनाओं के समर्थन में, उसी पुरजोर तरीके से आज इस मुद्दे को विधानसभा में भी बीजेपी उठाएगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी कांग्रेस के विधायकों का आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का जो आज एक बड़ा प्रदर्शन राजभवन घेराव को लेकर, अडानी के मामले को लेकर चल रहा है, ऐसे में जैसे ही कांग्रेस के विधायक यहां पहुंचना शुरू होंगे, उनसे भी उनकी रणनीति को लेकर बात की जाएगी कि किस तरह से आज सदन चलाया जाएगा। कोशिश होगी कांग्रेस की कि सदन की बैठक जो है पूरी तरह से चले, लेकिन विपक्ष चाहेगा कि बैठक में किसी भी तरह से व्यवधान किया जाए, हंगामा किया जाए और ध्यान आकर्षण किया जाए सदन के अंदर, जिससे कि लोगों को बताया जा सके कि सदन के अंदर और सदन के बाहर जो बीजेपी है वो वीरांगनाओं के साथ खड़ी है। तो
सदन की कार्यवाही का 16 दिन है। तकरीबन 10 दिन के ब्रेक के बाद आज ये कार्यवाही शुरू हो रही है। अंतिम जो बैठक हुई थी 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की, वो 3 तारीख को हुई थी और उसके बाद से लगातार अवकाश सदन में था, क्योंकि बीच में होली का पर्व भी था और उसके अलावा अन्य जो अवकाश दिए गए थे। और आज अगर बात करें अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी, जनजाति विकास विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की जो अनुदान मांगे हैं उन पर भी चर्चा होगी। उस दौरान भी विपक्ष जो है सरकार को उसकी योजनाओं पर घेरने की कोशिश करेगा। जनजातीय विकास क्षेत्र या जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनको लेकर तमाम जो योजनाएं सरकार चला रही है उसकी ओर भी जो है, या उसको लेकर जो बजट घोषित की गई है उसको लेकर भी विपक्ष अपनी बात रखेगा। विपक्ष तो सचिन, आज 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी, नजर रहेगी न्यूज 18 राजस्थान की, आपसे भी आज इस कार्यवाही के, सदन की कार्यवाही की अपडेट हम लेंगे। लेकिन फिलहाल आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जयपुर से अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल एमबीबीएस में प्रवेश के बहाने, एडमिशन के बहाने ठगी का एक मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने शातिर ठग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मेडिकल में प्रवेश और नौकरी के बहाने ठगी की गई थी, करीब 1,37,00,000 रुपए की ये ठगी की गई। आपको थोड़ा इस पूरे खबर के बैकग्राउंड के बारे में भी बता दें, दरअसल ये मामला जोधपुर का है जहां लक्ष्मीनगर निवासी श्रीलाल गहलोत ने एक केस दर्ज करवाया था जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। दिल्ली में ठग नीरज का दलाल रवि चौधरी पहले गिरफ्तार हो चुका है। रवि चौधरी से पूछताछ की गई, उसी की निशानदेही पर यह गिरफ्तारी एक और हुई है। गिरफ्तार अभी जो दिल्ली में हुई है, आपको बता दें कि जयपुर में खो नागोरियन पुलिस ने रवि चौधरी को गिरफ्तार किया था पहले। जोधपुर में कोचिंग सेंटर संचालक श्रीलाल से करोड़ों रुपए की ठगी हुई थी। बाकायदा विज्ञापन देखकर परिवादी श्रीलाल ने ये ठगी में वो शामिल हो गए थे, या कहें कि ठगी का वो शिकार हो गए थे। दलाल रवि से संपर्क किया उन्होंने, रवि के मार्फत नीरज सिंह ने 1,00,000 रुपए वसूले और 1,37,00,000 रुपए वसूले। दो छात्रों को फिलहाल एम्स में नौकरी के बहाने ये रुपए हड़पे गए थे। इसके अलावा 3 छात्राओं से एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर यह ठगी की गई थी। 3 मार्च 2019 को इन 5 छात्राओं के लिए गए थे 1,37,00,000 रुपए। विष्णु शर्मा जयपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी लेंगे उनसे। विष्णु, दो चीज हैं, पहली तो ये कि एडमिशन भी दिला देंगे और नौकरी भी दिला देंगे, आखिर कैसे झांसे में जोधपुर के ये कोचिंग संचालक आ गए? उसके बाद लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही थी, तलाश कर रही थी। दिल्ली में अब जो ये गिरफ्तारी हुई है, ये कितनी अहम कड़ी साबित हो सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि जोधपुर में लक्ष्मीनगर के रहने वाले श्रीलाल गहलोत, जो कि कोचिंग संचालक है, उन्होंने पिछले साल जयपुर के प्रतापनगर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें कहा कि उनसे एमबीबीएस कॉलेजों में एडमिशन दिलाने के बहाने, उसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में नौकरी लगाने के बहाने करीब 1,37,00,000 रुपए की ठगी हुई है। और ठगी करने वाला जो व्यक्ति है वो, उसका नाम नीरज कुमार सिंह है, जो कि फरार चल रहा है। और पूरे प्रकरण में जब पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि श्रीलाल गहलोत, जो कि कोचिंग संचालक है, उन्होंने अखबार में विज्ञापन देखा था और वर्ष 2018 में अखबार में एमबीबीएस में जो मेडिकल कॉलेजों में ज्वाइनिंग करने का, यानी एडमिशन के बहाने का एक जो विज्ञापन देख करके रवि कुमार चौधरी, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वर्ष 2018 में उसे संपर्क किया। और तब रवि चौधरी, जो कि 63 वर्ष की उम्र का है, रवि चौधरी ने श्रीलाल गहलोत को मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के बहाने से 60,00,000 रुपए लिए। लेकिन जब 8 महीने तक जब एडमिशन नहीं हो सका तो उसने रुपए की रकम को वापस लौटा दिया, जिसके बाद रवि चौधरी ने वापस से श्रीलाल गहलोत की मुलाकात नीरज कुमार सिंह से कराई और नीरज कुमार सिंह ने उसे आश्वासन दिया कि वह भारत में किसी भी जगह पर, भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज में किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को एडमिशन दिलवा सकता है। अच्छा। और इस झांसे में आकर के वर्ष 2019 3 मार्च को श्रीलाल गहलोत ने 1,37,00,000 रुपए की रकम नीरज कुमार सिंह को दी और इसमें 3 छात्रों को एडमिशन दिलाने के लिए, उसके अलावा दो छात्रों को नौकरी दिलाने के नाम पर ये रकम ली गई थी, जिसमें रकम लेने के बाद आरोपी फरार हो गया। और तब जाकर के श्रीलाल गहलोत जयपुर पुलिस तक पहुंचे। आखिरकार पुलिस ने एक साल की मेहनत के बाद में और नीरज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है, जो कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, अभी नई दिल्ली मॉडल टाउन में रहता है। अब पुलिस नीरज कुमार सिंह से पूछताछ में ये कनेक्शन खंगाल रही है कि आखिरकार वो पूरे भारत में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें किस गैंग के जरिए एडमिशन दिलाने का बात किया करता था। जी बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पर आने वाला था, आपसे जानना चाह रहा था कि पुलिस को यह भी जानना जरूरी है कि यह सिर्फ हवा में
बातें करता था और इसी तरह से उसने ठगी की है, या फिर कहीं ना कहीं जो दावा था उसका वो मजबूत था? कुछ लोगों को क्या वो एडमिशन दिला चुका है? अगर ऐसा है तो कहां से तार जुड़े हैं, क्योंकि और मामला बड़ा हो सकता है और मामला खुल सकता है अगर ऐसा है तो। देखिए, इस पूरे मामले में दो आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। एक है रवि चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला, जिसको जयपुर में ही खो नागरियन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और रवि कुमार चौधरी का दावा यह होता था कि वो राजस्थान में किसी भी मेडिकल कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट को एमबीबीएस में एडमिशन दिलवा सकता है। लेकिन नीरज कुमार सिंह का दावा था कि वो भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन दिला सकता है। तो दोनों के दावे अलग अलग थे। ऐसे में पुलिस अब दोनों के कनेक्शन को ये खंगालेगी, क्या किसी और भी कोई बड़ा रैकेट है जो कि अंतर्राज्यीय कोई गैंग है जो कि स्टूडेंट्स को जो कि मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, तैयारियां करते हैं, उनको एडमिशन दिलाने का झांसा देते हैं। बड़े जो एम्स जैसे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर नौकरी दिलाने का झांसा वो दिया करते हैं। तो नीरज कुमार सिंह को अभी तक जयपुर की पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार करके लाई है। अब उससे रिमांड पर लेकर के गहनता से पूछताछ की जाएगी, क्या इस गिरोह में क्या नीरज कुमार सिंह अकेला है या फिर उसके अलावा कोई और भी लोग सक्रिय हैं जो कि अंतरराज्य बड़ा। बिल्कुल विष्णु, हो सकता है बड़ा खुलासा आने वाला। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु फिलहाल इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अगली खबर है उदयपुर से, ये आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी है, क्योंकि एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। उदयपुर पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। राम गोपाल नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। राम गोपाल आपको बता दें शेर सिंह मीणा का राजदार है। शेर सिंह मीणा कौन है? शेर सिंह मीणा के बारे में जानकारी जुटाने के प्रयास अभी तेज हो गए हैं। दरअसल शेर सिंह की गिरफ्तारी से अब आगे के तार जुड़ेंगे, क्योंकि शेर सिंह पर भूपेंद्र सारण को पेपर उपलब्ध कराने का आरोप है। 40 लाख रुपए में पेपर उपलब्ध कराए गए थे शेर सिंह मीणा की तरफ से राम गोपाल से। अब शेर सिंह को लेकर पूछताछ होगी और शेर सिंह कहीं ना कहीं इस पूरे आरपीएससी मामले का मुख्य साजिशकर्ता, किंगपिन साजिशकर्ता माना जा रहा है। और अब पुलिस की कोशिश होगी इस गिरफ्तारी के बाद शेर सिंह मीणा का पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि उदयपुर पेपर लीक मामले में दो अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं। इसमें बेकरिया थाने में दर्ज मामले में अब तक कुल 53 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और सुखेर थाने में दर्ज मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कपिल से बात करते हैं इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए। कपिल, कितनी नजदीक का पुलिस पहुंच रही है मुख्य साजिशकर्ता शेर सिंह के इस गिरफ्तारी के बाद? देखिए, लगातार जो है वो मुख्य साजिशकर्ता जो है उन तक पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दूं कि राम गोपाल मीणा के रूप में उदयपुर पुलिस ने बेकरिया थाने में जो पेपर लीक प्रकरण को लेकर मामला दर्ज हुआ था उसमें 53वीं गिरफ्तारी कर ली है। सुखेर थाने में भी 10 गिरफ्तारियां हुई थी और जब 24 दिसंबर को ये पेपर लीक हुआ था उसके बाद में लगातार गिरफ्तारियों का जो दौर है वो जारी था। और अब राम गोपाल मीणा जो कि अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा का दाहिना हाथ बताया जाता है, उसका मुख्य राजदार बताया जाता है, उसे उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेर सिंह मीणा सिरोही जिले में एक स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत था और जब भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी हुई तो भूपेंद्र सारण ने पूछताछ के दौरान इस बात का खुलासा किया कि उसको शेर सिंह मीणा द्वारा 40 लाख रुपए में ये पेपर उपलब्ध कराया गया था और उसके बाद में भूपेंद्र सारण ने ये पेपर सुरेश विश्नोई तक पहुंचाया और 5-5 लाख रुपए में इस पेपर का अभ्यर्थियों के साथ में सौदा किया गया था। तो लगातार गिरफ्तारियां चल रही है। जब पहली बार बस में पेपर सॉल्व करवाते हुए अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई थी उस दौरान सुरेश विश्नोई नाम का एक मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ था, उसके साथ में और भी लोग गिरफ्तार हुए थे। और उसके बाद में जब कड़ियां जुड़ती गई तो राजीव उपाध्याय, एक पटवारी गमाराम, भूपेंद्र सारण और अब राम गोपाल मीणा की जो गिरफ्तारी है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि अब हम कोर्ट में मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद में राम गोपाल मीणा जिसे कि उदयपुर पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया है, भी आपसे जयपुर से गिरफ्तार। धन्यवाद बहुत बहुत करना चाहूंगा कपिल आपका। अगली खबर महत्वपूर्ण क्योंकि आज विधानसभा की कार्यवाही और विधानसभा के बाहर रामलाल शर्मा कुछ बोल रहे हैं, आइए उनको सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको पुरजोर शब्दों के अंदर विरोध दर्ज कराएगी। हमारा रुख स्पष्ट है, सरकार कह रही है कि नियम नहीं है, तो अगर नियम नहीं है तो आपने 3 प्रतिनिधि अंत्येष्टि के समय भेजे थे, आज भी उनका रिकॉर्ड है, बोलते हुए वीडियो है, वो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से देवर को नौकरी दिलाने का काम हम करेंगे। फिर इन्हीं मंत्रियों में से कईयों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि देवर को नौकरी दी जाए, जब वो 10 दिन से धरने के ऊपर बैठी हुई है, रात के अंधेरे में खदेड़ने की कहां आवश्यकता पड़ गई थी। आप 300 किलोमीटर से वीरांगनाओं को आप बुला रहे हो लेकिन 300 मीटर चलने का काम क्यों नहीं कर रहे, और जिस तरीके से आप
मुकदमे दर्ज करके और इस पूरे आंदोलन को दबाने की कोशिश करे हो, ये लोकतंत्र के अंदर उचित नहीं है। देखिए, मुद्दे से भटकाने का काम कांग्रेस कर रही है। जो मूल ज्वलंत मुद्दे हैं, आज भी कर्जमाफी का मुद्दा प्रदेश के अंदर है, आज भी बिजली कटौती का मुद्दा प्रदेश के अंदर है, आज भी बिजली की दरों के अंदर बढ़ोतरी ये मुख्य मुद्दा है, आज भी बेरोजगार संघ के आंदोलन कर रहे हुए युवाओं का मुख्य मुद्दा है, आज भी सरकारी भर्तियों के अंदर पेपर लीक का मुख्य मुद्दा है। तो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का कृत्य कांग्रेस कर रही है। तो रामलाल शर्मा बीजेपी विधायक यहां बताते हुए कि आखिर बीजेपी की विपक्षी क्या रणनीति आज विधानसभा की कार्यवाही में रहने वाली है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त अलॉट कराते हैं और खबरों के साथ